या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। रेहान भाई हैं, गालिबन मुंबई से ही होंगे। नमाज में इमाम साहब का अगर वजू टूट जाए तो क्या करना चाहिए? और इसके बारे में एक रिलेटेड सवाल और भी था कि अगर नमाज के अंदर इमाम साहब का वजू टूट जाए और इमाम साहब इसी तरह नमाज को जारी रखें, शर्म की वजह से मसल्ला ना छोड़ें, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा बहुत कम चांस होता है कि नमाज में रेयर पोजीशन है ऐसी कि सिचुएशन ये पेश आए कि इमाम का नमाज में वजू टूट जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इमामों को इस मसले से वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि जो भी मसाइल किताबों में लिखे गए हैं ज़ाहिर है कि वो पेश आ सकते हैं, तो उसको सीखना तो ज़रूर चाहिए, ख़ास तौर से जो इमाम हो, कि इमाम को ख़ुद का वजू टूट जाए या नमाज टूट जाए तो क्या करना चाहिए। तो अगर इमाम का वजू टूट जाए तो उसको भी वही हुक्म है जो बाकी मुक्तदियों को है कि उसे भी नमाज आगे पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। नमाज अगर वजू टूट गया तो वहीं से वो नमाज को छोड़ सकता है, मुसल्ले से हट जाए। और जो उसके पीछे वाला शख्स होता है यानी नायब इमाम जिसको कहते हैं, वो आगे आके बाकी की नमाज को जारी रखे, यानी आगे की नमाज वो वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। इमाम साहब का वजू टूट गया ये सूरत में कि इमाम को हट जाना चाहिए मुसल्ले से, और उनको भी वही सफ़ से बाहर निकल जाएं, बिल्कुल हट के खड़े ना हों लेकिन बाहर ही हट जाएं, निकल जाएं, ये करना चाहिए। अब रहा ये कि इमाम साहब नमाज को जारी रखते हैं वजू टूटने के बाद भी, नमाज को नहीं तोड़ते, हटते नहीं, अब क्योंकि मुक्तदियों को तो मालूम ही नहीं चल पाएगा ना कि अगर कोई ऐसे केस में वजू टूटा है कि उनको पता ही नहीं चल पाए, तो इसमें तो इमाम जो है ना वो बहुत सख्त गुनहगार होगा। और ये नमाज लोगों की अगर ये बंदा तौबा करके नहीं दोहराएगा तो इन सब की नमाज का गुनाह भी इस बंदे के ऊपर होगा कि जिसने नमाज को पढ़ाया, क्योंकि लोगों को इसकी ख़बर नहीं होगी कि नमाज नहीं हुई, लेकिन इस शख्स को पता होगी कि मेरे पीछे जो 50 या 100 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं उन सब की नमाज मेरी नमाज की वजह से नहीं हुई। अगरचे मुक्तदियों को उनकी नमाज का सवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा कि उनको इस बारे में कोई ख़बर नहीं, लेकिन अगर इमाम ने वजू मतलब दोबारा वजू करके इस नमाज को नहीं दोहराया, मसल्ले से नहीं हटा, तो नमाज इमाम गुनाहगार होगा। अब इसमें इमाम ज़्यादातर जो है ना शर्म की वजह से अगर ये सूरत पेश आती है तो नहीं हटते, शर्म की वजह से कि बाद में इस नमाज को खुद अकेले दोहरा लेते हैं। और शर्म ये कि वजू टूट जाता है तो मसल्ला छोड़ने में हिचकिचाहट होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नमाज को वाकई में वैसे ऐसा होता नहीं लेकिन हल्का जानकर कोई इमाम अगर बिना वजू के पढ़ना उसको जारी रखे कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पढ़ लेते हैं, नमाज की अहमियत को कम जान के, तो फिर वो इस्लाम के दायरे से ही बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा केस होता नहीं है, अक्सर शर्म की वजह से ही सूरत आती होगी कि नमाज के अंदर बेवजू जारी रखी जाती है, और ये सूरतें भी अक्सर नहीं होती इमामों के साथ। लेकिन अगर हैं किसी के साथ या हुई है किसी के साथ तो बहुत सख्त गुनाह और हराम काम है बेवजू के नमाज पढ़ना और पढ़ाना, यानी बहुत शदीद गुनाह इस इमाम ने किया कि जिसने बिना वजू लोगों को नमाज़ पढ़ा दी। और टूटने की सूरत वही है कि मुसल्ले से हटे और पीछे वाला उसकी नमाज कंटिन्यू जारी रखे। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।